बच्चों को ये बताएं कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो कि हम बच्चों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल से कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि एल इंटू वी होता है और समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला रेक्टेंगल के बराबर होता है एल इंटू वी, वही यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया है पाई को कैसे बच्चे को कॉन्सेप्ट पे लेकर आना है कि एरिया होगा हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई और ये टू पाई आर है, तो टू पाई आर जो है पाई आर हमारा इधर और पाई आर हमारा और ये इसकी रेडियस हो गई। तो जब लंबाई रखेंगे तो लंबाई की जगह हम पाई आर पुट कर देंगे और चौड़ाई रखेंगे तो चौड़ाई की जगह रेडियस लगा देंगे और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जैसे हम ये चैप्टर अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर हमारा 6, 7, 8 तीनों ही के लिए उपयोगी है, तो ये TLM हमारा तीनों ही में काम करता है, चाहे वो 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 क्लास हो। तो यहाँ देखिए, अगर हमें जीवा पढ़ानी है, रेडियस पढ़ानी है बच्चों को, तो ये रेडियस बता दी हमने। अगर हमें उसको डायामीटर बताना है, तो मतलब हम त्रिज्य खंड बताना चाहें तो त्रिज्य खंड बता सकते हैं। मीन्स अगर हम चाहें तो उसको सारी ही डेफिनेशन यहीं से क्लियर कर सकते हैं, ये त्रिज्य खंड हो गया। उसके अलावा अगर हम ये चाहें कि सेंटर पे बना एंगल पढ़ाएं बच्चे को, तो सेंटर पर बने एंगल का कॉन्सेप्ट भी हम दे सकते हैं। और सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस होता है, डबल होता है बाकी त्रिज्य खंड में बने एंगल, आउटसाइड ये भी हम नाइस।